नहीं है, दिव्या मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दिव्या, ये पार्षद वो हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने सौंपी थी, ये तो चुनाव तक नहीं हो पाया, इनके बीच में क्या जनता के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह की तस्वीर इस सदन से उभरी है, दिल्ली की जनता भी शर्मसार होगी कि जिस चुनाव के लिए इतनी जद्दोजहद हुई, जिस चुनाव के लिए ये कहा गया कि इसे टाला जा रहा है, तमाम आरोप लगे, तमाम बातें हुई, लेकिन एक बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया फॉलो हुई, चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता ने ये सोचकर वोट दिया कि उनके लिए सड़क, पानी, बिजली का काम होगा। लेकिन आज जब सदन की पहली ही बैठक होती है जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव होना था, उसी बैठक में इस तरीके से शर्मसार करने वाली तस्वीरें आती हैं। देखिए, दोनों ही तरफ से हाथापाई भी हुई है, दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, कुर्सियां भी चलाई गई हैं, पूरी जो प्रक्रिया थी दोनों ही तरफ से बाधित की गई है। यानी कि किसी एक को ये कहना कि इसकी तरफ से ज्यादा हुआ है, ये फिलहाल सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए 104 मेंबर्स, 104 पार्षद बीजेपी के हैं, 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, यानी संख्या बल के हिसाब से तकरीबन सेम है, उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना होगा कि दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझ कर अपना वोट दिया, निगम पार्षद बनाया, इस सदन में भेजा, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें आ रही हैं, खून खराबा तक हुआ है, कई महिला पार्षदों को चोटें आई हैं, इस वक्त वो अस्पताल में है।